नमस्कार दोस्तों, आपका प्रगति मीडिया टीम में आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे भारत देशवासियों के लिए एक बहुत ही दुखद समाचार है। इस दुखद समाचार से चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे यूपी युवा पीढ़ी हो, चाहे बुढ़ापे का हो, हर इस दुखद समाचार से हर कोई परेशान है। सभी के व्हाट्सएप पर केवल एक ही स्टेटस है, विपिन रावत जी का शहीद होना। जी हाँ, आज हम विपिन रावत जी के बारे में कुछ जानकारी हम पाएंगे। उनकी सभी को पता है, उनके हेलीकॉप्टर दुर्घटना में आज उनकी मौत हो गई है, लेकिन उनके जीवन परिचय से रिलेटेड हम थोड़ी सी जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। आइए पहले जानते हैं उनकी दुर्घटना के बारे में। तमिलनाडु में आर्मी हेलीकॉप्टर हादसे में देश के पहले सीडियर विपिन रावत जी आज शहीद हो गए हैं। बता दें कि सेना के हेलीकॉप्टर IFMI-17V5 बुधवार मतलब कि आज दोपहर को क्रैश हो गया था। यह क्रैश थोड़ा लैंडिंग से थोड़ा पहले ही क्रैश हो गया था। क्रैश होने के बाद हेलीकॉप्टर में आग की लपटें स्टार्ट हो गई। छोटे मोटे बम पटाखे भी होने लग गए। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद में स्थानीय लोग जो मौके पर थे वो पहुंचे और उन्होंने मदद शुरू कर दी। उन्होंने विपिन रावत जी को भी एक कपड़े के सहारे उन्होंने उठाया और आगे तक ले गए। मौके पर स्थानीय पुलिस और आर्मी को भी बुलाया गया। इस हेलीकॉप्टर में देश के पहले CDS विपिन रावत समेत 14 लोग मौजूद थे। 14 लोग इसके इस हेलीकॉप्टर मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक इस हेलीकॉप्टर हादसे में CDS विपिन रावत जी की पत्नी मधुलिका रावत जी भी कभी देहांत हो गया है। इस हादसे में सभी 13 सवारों की मौत हो गई है, बाकी एक की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। विपिन रावत जी के बारे में हम थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं। विपिन रावत जी का जीवन परिचय क्या है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं। विपिन रावत जी का जन्म 16 मार्च 1998 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ। विपिन रावत जी के पिता लक्ष्मण सिंह रावत भी सेना में थे। वे लेफ्टिनेंट जनरल पद से रिटायर हुए। रावत जी की पढ़ाई एडवर्ड स्कूल शिमला में हुई। इसके बाद शिक्षा विपिन रावत जी ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से पूरी की। यही नहीं, उन्होंने अमेरिका में वैलियंट और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री भी ली। जनरल विपिन रावत भारत के पहले और वर्तमान रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। यह एक बहुत बड़ा पद होता है जिसको पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने 1 जनवरी 2020 को रक्षा प्रमुख के पद का भार ग्रहण किया। इससे पूर्व भारत के थल सेना के प्रमुख थे। विपिन रावत जी 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक थल सेना के पदाध्यक्ष रहे। थल सेना के वो अध्यक्ष रहे। विपिन रावत जी ने सेना से दिसंबर 1978 में जुड़े। सेना को अपनी सेवा देने के दौरान विपिन रावत जी अनेक पदों पर रहे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में भी उन्होंने उनकी तैनाती रही। विपिन रावत जी ने लॉजिस्टिक स्टाफ ऑफिसर कर्नल मिलिट्री सेक्रेटरी डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी जूनियर कमांड विंग में सीनियर इंस्ट्रक्टर जैसे पदों पर भी वह रहे। ये बहुत बड़े पद होते हैं जिसको पाने के लिए बहुत मेहनत और काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ती है और काफी संघर्ष करना पड़ता है इन पदों को पाने के लिए। आइए जानते हैं CDS क्या है। हम CDS विपिन रावत जी कह रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा हम CDS के बारे में जानते हैं कि CDS क्या है। CDS परीक्षा का आयोजन, CDS एक परीक्षा होती है। CDS परीक्षा का आयोजन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष में 2 बार किया जाता है। इस परीक्षा के माध्यम से भारतीय सैन्य अकादमी अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी भारतीय नौसेना अकादमी तथा भारतीय वायुसेना अकादमी में अधिकारियों की भर्ती होती है। मतलब इसमें कई तरह की भर्तियां होती हैं CDS के द्वारा। संयुक्त रक्षा सेवा की परीक्षा के द्वारा उम्मीदवार थल सेना वायुसेना और जल सेना में किसी भी नौकरी के प्राप्त कर सकता है। CDS की परीक्षा अगर कोई विद्यार्थी प्राप्त करता है, अगर उसको पूर्ण कर लेता है, तो वो तीनों सेना में से किसी भी पद पर नियुक्त हो सकता है। तो दोस्तों, आज हमारे देश के एक ऐसे शहीद हुए हैं, हमारे देश के एक ऐसे सैनिक शहीद हुए हैं जिसको लेके आज हम सभी देशवासी बहुत दुखित में हैं। और ये एक हम सभी इसलिए दुखित में हैं क्योंकि ये जो हमारे सैनिक थे हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। दोस्तों, आप सभी को प्रगति मीडिया का नमस्कार।